तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो बिहार पीसीएल एग्ज़ाम के लिए जो TG2 यानी टेक्निकल ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उस रिगार्डिंग हम जो कंप्यूटर का क्लास चला रहे हैं, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, कंप्यूटर का क्लास 3 तक अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके ये सभी वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। दोस्तों, इस सीरीज में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर कंप्यूटर का आ रहे हैं, तो वह रिसेंटली में जितने भी एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर का, तो उन सभी का प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न होने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, देन उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपका, जैसे इसमें आपका लगभग 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर बताएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन इसमें पहला लिख लेते हैं। इससे पहले वाला जो 121 नंबर से पहले वाला है, जो इम्पोर्टेंट था, उसको हम डिस्कशन करा चुके हैं। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक होता है जो ब्लॉक स्पीड होता है, याद रखेंगे, जो ब्लॉक स्पीड होता है, तो कृषि प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में, ठीक है, प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करता है। कौन? ब्लॉक स्पीड। ओके, तो याद रखेंगे, इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मेगाहर्ट्स और गीगाहर्ट्स के मध्य व्यक्त किया जाता है, वह ब्लॉक स्पीड को व्यक्त किया जाता है। ओके, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकेंड में व्यक्त करते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रोसेकेंड के बराबर है? तो दोस्तों देखिए, जो माइक्रोसेकेंड होता है, 1 माइक्रोसेकेंड बराबर 10⁻⁶ सेकेंड होता है। याद रखेंगे, इजी प्रश्न है, लेकिन UPSC TG2 एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 माइक्रोसेकेंड बराबर 10⁻⁶ सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो 5th जनरेशन इस समय चल रहा है। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में 5वां जनरेशन का कंप्यूटर के चल रहे हैं, उपयोग हो रहा है। आगे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MFL OPS क्या है? तो दोस्तों, MFL OPS क्या है? तो याद रखेंगे, इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो MFL OPS होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। ओके, तो आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म में आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, क्या होता है, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, ऑपरेटिंग पर सेकंड। तो दोस्तों, इसका याद रखेंगे फुल फॉर्म, यह जो होता है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, MFL OPS होता है। दोस्तों, यह फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति को मापता है, ठीक है, और इसका उपयोग जो है CPU की गति, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, यह नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में क्वेश्चन है। सेम इसी पैटर्न पे जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी निगम लिमिटेड है,
उसका जो प्रीवियस ईयर का आप कंप्यूटर का क्वेश्चन उठाएंगे तो इस प्रकार उत्पटांग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब पढ़ने से नहीं होगा, आप डीपली में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके इसमें कर पाएंगे। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों MIPS का अर्थ, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो देखिए MIPS का जो अर्थ होता है याद रखेंगे, मिलियन, यम से मतलब मिलियन, आई से मतलब इंस्ट्रूमेंट, पी का मतलब पर सेकेंड। ओके, यानी मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है MIPS का फुल फॉर्म, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 100% पूछ सकता है। ओके, आप इसको केयरफुली याद रखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य बताना है दोस्तों। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, तो देखिए इसमें पहला है GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा है MFLOPS GFLOPS से बड़ा होता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन दिया है और इसका चार ऑप्शन चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन पहला है केवल दो सही है, दूसरा बी वाला केवल एक सही है, और सी वाला दिया है न तो एक न ही दो सही है, डी वाला है एक और दो दोनों सही है। तो दोस्तों इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है, कैसे एक सही है तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया है यूनिट दिया है, नेम दिया है और वैल्यू दिया है। जैसे आपको इसमें पूछा गया है GFL और TFL से छोटा होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें दिया है GFLOPS और TFL से छोटा होता है, तो सही बात है। देखिए 10^9 किसका है, GFLOPS का है, और TFLOPS का 10^12 होता है, तो ए इससे क्या है छोटा ही है। ठीक है, यानी GFLOPS TFLOPS से छोटा है, तो ए बिल्कुल सही बोला है, देख सकते हैं आप ए वाला सही बोला है। दूसरा देख लेते हैं, MFLOPS और GFLO से बड़ा होता है, तो देखिए MFLO, तो दोस्तों यहाँ पे MFLO 10^6 होता है जबकि GFLO 10^9 होता है, तो ये गलत है क्योंकि GFLO बड़ा होता है MFLO से। ओके, तो ये आप इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये जो तालिका है इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आप अंक तालिका को लिख लिए होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, TELOPS दिया है, MFLOPS दिया है, GFLOPS दिया है। ओके, तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है, 1, 2, 3 होता है, और अवरोही जो होता है वह घटते क्रम होता है, 3, 2, 1 होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा इसमें तीनों में से कौन है, तो तालिका को देख लेते हैं, TEL है, MFL है, GFL है। तो देखिए अंक तालिका में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, MFL है, देखिए KEF है, MFLF है, GFLO है और TFLO है, तो इन तीनों में तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पे कौन है, TELO, ठीक है TELO, तो ये दोस्तों TELO बड़ा है। ठीक है, देन उसके बाद MFLO, तो T के बाद क्या है, M सबसे छोटा है, देन उसके बाद M है, तो M कहाँ है, M भी यहाँ पे छोटा है। ओके, तो देखिए इसका जब मिलान करेंगे
राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा यम एफ एल ओ पी एस होगा, ठीक है। उसके बाद जी एफ एल ओ पी एस होगा, देन उसके बाद पी एफ एल ओ पी एस होगा, ठीक है। तो इसमें आप अंक तालिका में देख सकते हैं, इसमें दिया गया है सबसे छोटा कौन है, एम है, एम 10^6 है, उसके बाद जी है 10^9 है, देन उसके बाद टी है 10^12 है, ओके। तो इस तरह करके दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यूपी पीसीएल TG2 में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ओके। तो कौन सा एड्रेस होता है, पहला ऑप्शन दिया है एक्यूमुलेटर, दूसरा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तीसरा मेमोरी बफर रजिस्टर, चौथा है प्रोग्राम काउंटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। जो प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी होता है, एक रजिस्टर होता है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश में मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है, ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो दोस्तों वह क्या होता है, बहुत इजी प्रश्न है, उसका नाम है कर्सर, वही जो आपका माउस से क्लिक करते हैं तो छोटा पॉइंटर नहीं इधर उधर करता है डेस्कटॉप पे, तो क्या होता है कर्सर उसका नाम होता है, ओके। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से BIOS की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों BIS भूमिका क्या होता है, तो यह एक प्रोग्राम होता है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ओके। याद रखेंगे जो दोस्तों BIOS होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यह भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ओके। जो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। और इसका जो भूमिका होता है, यह एक प्रोग्राम होता है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे रीड ओनली मेमोरी होता है, ओके। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो दोस्तों प्लाटर होता है, प्लाटर कैड जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डॉट 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 के घटक होते हैं। तो दोस्तों यह किसके घटक होते हैं, याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के यह सब घटक है। तो कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, कैम्बियंट हुआ, ये सब कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो सभी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं वह सब सॉफ्टवेयर होते हैं, और हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं वह सब हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सब हार्डवेयर हुआ, ओके, प्रिंटर हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों इंटेल कोर क्या है, एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है या हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों एक प्रकार का ये क्या है, यह प्रोसेसर है, ओके। जो इंटेल कोर i9 है एक प्रकार का प्रोसेसर होता है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का मुख्य निर्देश को पढ़ना होता है जिन्हें थ्रेड के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम एन प्रक्रियाओं को 30 सेकंड में पूरा करता है, तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट डॉट 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 प्रति मिनट सेकंड होता है। तो दोस्तों इसका याद रखेंगे, जो थ्रूपुट होता है तो इसका फार्मूला होता है थ्रूपुट बराबर कुल संख्या, कुल की संख्या पूरा किया गया प्रोसेस बटा के प्रोसेस को लगा समय, यानी एन बटा टी। याद रखेंगे एन बाई टी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्नैपड्रैगन एटम टेगरा हीलिया हीलियो एंड इक्वा एक्जाई नोज। ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों? तो ये सब देयर आर टाइप ऑफ प्रोसेसर, ये सभी जितने हम नाम लिए हैं ये सभी क्या है, एक प्रोसेसर है वे, ठीक है, वे एक प्रकार के प्रोसेसर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्नैपड्रैगन आप देखते होंगे मोबाइल में, स्नैपड्रैगन ये सब होते हैं ना, तो ये सब प्रोसेसर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला दिया है कंट्रोल बस, दूसरा यूपीएस, तीसरा रोम, चौथा रेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कंट्रोल बस होता है वह भीतर सीपीयू के भीतर एवं अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल बस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिफेरल आई ऑब्लिक ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, यानी हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट आर देयर इन पेरिफेरल। पेरिफेरल में आउटपुट कितने पोर्ट होते हैं, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पेरिफेरल में आउटपुट होते हैं वह 256 होते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो पेरिफेरल आउटपुट पेरिफेरल में होते हैं 256 पेरिफेरल में आउटपुट पोर्ट होते हैं, याद रखेंगे। 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका इन क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 18 क्वेश्चन में से अगर आपका 11 प्लस आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में आपका अच्छा स्कोर बन रहा है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 5 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।